खुश रहो बेटा। एक तो हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारी माँ की क्या आत्मा, तुम्हारी माँ की आत्मा से बात कराने लायो ना। जी रुबा करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल किरिक बॉली पर। जा दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने आखिरकार बॉलीवुड की लाज बचा ही ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूल भुलैया 2 ने सिनेमाघरों में तूफान मचा दिया है और फिल्म की सिर्फ 2 दिनों की कमाई ने यह दिखा दिया है सिनेमाघरों से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होकर ही निकलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के पहले 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अपने पहले दिन फ्राइडे को फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, वहीं दूसरे दिन आज सैटरडे को फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, बजट के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ हिट और फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप कार्तिक आर्यन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें भूल भुलैया 2 फिल्म की, तो फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीस बस्मी ने और कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म में हमें क्यारा आडवाणी, राजपाल यादव और तब्बू अहम किरदारों में नजर आए। वैसे अगर बात करें फिल्म के रिव्यूज की, तो फिल्म को लेकर पहले से अच्छा बस बना हुआ था और जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो दर्शकों को फिल्म खूब पसंद आई और फिल्म की तारीफ करते करते लोग नहीं थक रहे हैं और यहां तक कि क्रिटिक्स ने भी 4 स्टार की फिल्म को रेटिंग दी और सभी ने बॉलीवुड की एक बेहतरीन, यानी कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है ये, एक बेहतरीन फिल्म साबित हो रही है। कार्तिक आर्यन अपने कंधे पर लेकर इस फिल्म को चले थे, लेकिन साथ में जितने कैरेक्टर्स है उन्होंने भी भरपूर साथ दिया और कार्तिक आर्यन ने वो करके दिखाया जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं कर पाई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि भूल भुलैया 2 को पूरे इंडिया के अंदर 3200 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, वहीं ओवरसीज से भी फिल्म को 630 स्क्रीन मिले थे, तो कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में 3830 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म का जो बजट है वो 45 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे पहले दिन फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो 6,55,00,000 रुपए थी और फिल्म का जो पहले दिन यानी कि फ्राइडे का कलेक्शन रहा ओपनिंग डे का वो रहा 15 करोड़ रुपए और ये बहुत बड़ी बात है। 2022 में बॉलीवुड की कोई भी फिल्म इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं कर पाई थी और 15 करोड़ रुपए काफी अच्छी बात है। वहीं अगर दोस्तों बात करें दूसरे दिन यानी कि आज सैटरडे की, तो आज 7,80,00,000 रुपए की दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग है, यानी कि दूसरे दिन और भी इजाफा होने वाला है फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में और यहां पे अपने दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म लगभग 18 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। तो कुल मिला के फिल्म के भूल भुलैया 2 का जो इंडिया में 2 दिनों का नेट कलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है 33 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज से भी फिल्म लगभग 7 करोड़ रुपए कमा रही है, तो फिल्म का पहले 2 दिनों का पूरे वर्ल्ड में 40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है और दोस्तों अपने पहले ही 2 दिनों में फिल्म अपने बजट तक पहुंच गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर होने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।